अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं आओ देखो पाकिस्तान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ शालम मार्केट में। जुल्डी की बड़ी एक मशहूर मार्केट है, उसमें एक शॉप है चंद माहिकों का। इनका क्या यूनिक स्टाइल है, हमने जो सुना है वो सुना है कि ब्रेकफास्ट खाना अपने आने वाले कस्टमर को सर्व किया जाता है। देखिए क्या ये सर्व करते हैं, क्या इनके पास आर्टिकल हैं, अपने छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनके पास क्या आर्टिकल्स हैं। तो चलिए मेरे साथ हम एक्सप्लोर करते हैं, आप देखते रहिए आओ देखो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप? क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तजा। अच्छा गुलाम मुर्तजा भाई, मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा यूनिक स्टाइल है, कौन सी ऐसे यूनिक आर्टिकल हैं। हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे आपके पास कम प्राइस वाले आर्टिकल हैं जहाँ से वो बिजनेस कम से कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं और अपने घर का रोजगार चला सकते हैं, ये प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। पहली बात कि हमारे पास स्पेशलिटी है ना, हम नोज रिंग्स में और नोज पिन में काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वराइटीज़ हैं, जैसे नोज रिंग्स में आपको दिखाता हूँ और नोज पिन में दिखाता हूँ। नोज पिन में भी काफ़ी किस्म की, जैसे कि उसमें स्टोन्स वगैरह भी हैं, और 3-4-5-7 स्टोन्स के हिसाब से भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई एक आर्टिकल कैमरा में थोड़ा क्लोज करके भी दिखा दें ताकि जैसे व्यूवर्स जो है ना वो देख सकें। जी, जैसे कि ये देखें, ये डिज़ाइन है, इसका काफ़ी सारे डिज़ाइन है। अब ये हमारे पास 240 रुपये दर्जन है, 20 रुपये का पीस है ये, ठीक है ना। और ये हैंडमेड आइटम होती है सारी हमारे पास, ठीक है। और ये आपके सामने क्लॉथ में ये अच्छी क्वालिटी की आइटम होती है। ये होता है कि आपको पहनने के बाद ना क्या लेकिन एलर्जी नहीं होती, आपको तंग नहीं करती आपको, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी, जैसे अब ये देखें, ये स्पेशल चांदी मिक्स वाले कोके हैं, ठीक है ना। इसमें अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम बिल्कुल तंग नहीं करेगी आपको, ना एलर्जी होगी, और ये आप कान में स्टेप्स भी पहन सकते हैं, आप इजीली हर काम कर सकते हैं इसमें। और इसकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, ये 300 रुपये दर्जन है, ठीक है, 25 रुपये का पीस। ये मैं देख सकता हूँ कि एक बड़ा एक यूनिक सा डिज़ाइन बना हुआ है, आई थिंक सो फिश बनी हुई है। बिल्कुल, फिश। तो ये जो ये इम्पोर्टेड डिज़ाइन है, ठीक है जी, ये इम्पोर्टेड डिज़ाइन है, और ये भी 360 रुपये का पीस पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक फिश नुमा चीज़ है, लेकिन है खूबसूरत चीज़, पेच वाला डिज़ाइन होता है इसे कहते हैं। और काफ़ी वरायटी है इसमें, आप देखें जैसे कि हमारी ये विंडो में लगे हुए हैं, एक ये देखें स्पेशल, ये कास्टिंग वाली आइटम होती है ये, और 180 रुपये 15 रुपये का पीस पड़ेगा आपको। ये बेहतरीन चीज़ है, और ये एक तो काला भी नहीं होता, दूसरी बात ये है कि आप जैसे भाई कह रहे हैं कि थोड़े से पैसों से ज़्यादा आप काम कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें हैं। ये 15 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का, 30 रुपये का पीस लेके जाएँ, यानी बड़ी अच्छी लुक्रेटिव से प्राइजेज हैं, अट्रैक्टिव प्राइजेज हैं, और चीज़ें भी मुझे यहाँ पे देख के जो है ना बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। उसके अलावा क्वालिटी वाइज भी मुझे यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। जी बिल्कुल, और जो गोल्डन है हमारा ब्लैक भी नहीं होता, अच्छी क्वालिटी में, पर आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। और वाइट वाले में वो खराब। अच्छा अगले यहाँ पे चले, यहाँ पे भी बड़ी एक यूनिक सी वैरायटी लगी हुई है, जैसे कि ये एक हाँ जी, ये भी काइंडली हमारे व्यूअर्स को अपने कस्टमर्स को बताइएगा। इसे 7 स्टार कहते हैं, ये 180 रुपये दर्जन है, 15 रुपये का पीस पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो है कि जैसे कि ये हमारा पेच वाली वरायटी है, तो ये हमारी पीछे सो कोली वाली स्टॉपर वाली वरायटी, ओनली स्टॉपर इसमें ऐड करना है, इसमें आपको घुमाना नहीं पड़ता कुछ। लेकिन ये भी कुछ लोग पसंद करते हैं इस तरह, इसमें कुछ पसंद करते हैं, इसमें कोली वाली वरायटी पसंद करते हैं, यानी हर कस्टमर की अपनी अपनी पसंद है, और आपके पास सारी असॉर्टमेंट अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है इसमें, और इसमें काफ़ी बेशमार डिज़ाइन हैं, वन स्टोन होगा, साइज होगा, इसमें काफ़ी कुछ है इसमें। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की, जैसे ये देखें, देखें एक ये देखें, ये वन स्टोन वाला बड़ा साइज है, इसमें देखें ये कि छोटा, इसमें देखें गौर से देखें, इसमें 3 स्टोन्स एक ही कोके के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत ही एक यूनिक डिज़ाइन है ये, इसके ऊपर जो बनाया हुआ है। इसमें हम आपको दिखाते हैं, देखें अब ये नोज रिंग्स की बात दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल, ये भी बड़े यूनिक से डिज़ाइन और डिफरेंट कलर्स, और अच्छा इनका भी बताइएगा कि इसका इनके कलर्स तो नहीं फेड होते या उतरते नहीं, इनकी क्या प्राइजेस वगैरह है ये भी। ये देखे ना, जैसे कि नोज रिंग्स की वैरायटी है, ठीक है ना, ये आप इसमें कान में पहन सकते हैं, नाक में पहन सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग हैं, कोई इसमें 10 रुपये का पीस है, कोई 20 रुपये का पीस है, ठीक है। और ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी एक, यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बड़ी एक अच्छी असॉर्टमेंट है। बिल्कुल ठीक है ना, आप ये देखेंगे ये चलता, और ये पहली इसकी स्पेशलिटी की ख़राब नहीं होती, बड़े बड़े इस्तेमाल करने की एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको किसी की इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े ख़राब नहीं होती,
यूज करने पे आपको पता है रेगुलर दो तीन चार यानी कि खराब भी नहीं होगी और खराब नहीं होगी तो कस्टमर कंप्लेन भी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल तंग नहीं करता ये। अच्छा ये मैं देख सकता हूँ कि ये बड़े यूनिक से नाम लिखे हुए हैं, तो काइंडली देखने वाले को ये भी बताइएगा ये क्या चीज है, ये कौन सा आर्टिकल आपके पास? ये जो कस्टमर हमारे से हम मेहंदी भी बनाकर अपनी सेल करते हैं, हमारी अपनी मेहंदी बनती है। ठीक है जी, तो ये वो कस्टमर्स हैं जो हमारे नाम हमारी मेहंदी ले जाते हैं, लेकिन स्टिकर्स हम उनको एक बेनिफिशियरी हमको स्टिकर्स बना कर देते हैं ताकि वो अपने टैग लगाकर हमारी मेहंदी बेचते हैं। ठीक है ना, और उनके नाम से बिकती है मेहंदी, उनके इलाके में उनके नाम से मेहंदी बिकती है और उनका नाम एक पब्लिसिटी पब्लिसिटी हो जाती है। यानी कि एक स्टिकर के अंदर ये है तो सारे यही नाम होंगे या डिफरेंट नेम होंगे? एक एक स्टिकर में पीछे एक ही पूरा आर्टिकल है। मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा सारे जो नाम है वो कोशिश करें कि कैप्चर हो जाए ताकि देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो इनके पास आए और वो बाइंग करें यहाँ से। पूरे पाकिस्तान में ही हमारे ये कस्टमर्स हैं जो इस इसको बना रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं हमें और हम इनको। अच्छा मुर्तज़ा भाई मुझे ये बताइएगा ये मैं देख सकता हूँ कि निकाह के मौके पे भी और ये आली मदद लिखा हुआ और ये इमाम जामन भी, तो इनकी भी प्राइजेस बता दें और इनका भी हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है किस तरह से है। एक तो ये देखें हमारे पास ये सिंपल वाले हैं, ठीक है आप देख रहे हैं ये है हमारे पास 220 रुपये, ठीक है जी, राउंड पर भी 18 रुपये का पड़ जाता है पीस, ठीक है, और ये बाज़ार में 50 रुपये का 100 रुपये का सेल होता है। ठीक है, और ये तो इस वक्त 9-10 मुहर्रम के लिहाज से था लब्बैक या हुसैन। ठीक है, बहरहाल ये जो फैंसी वाले हैं ना ये भी लोग अपनी शादी और निकाह के लिए लेके जाते हैं, ये 1800 दर्जन 150 रुपये का पीस है और ये जब लाइट पड़ती है वो अच्छा रिफ्लेक्शन देता है, बहुत यूनिक चीज़ आती है ये चीज़। ठीक है इमाम जमान है। ठीक है, अच्छा मुर्तज़ा भाई मुझे बताइएगा कि ब्राइडल ज्वेलरी के हवाले से भी आपके पास आर्टिकल या स्टॉक्स अवेलेबल हैं या असॉर्टमेंट अवेलेबल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास पार्टी वेयर्स के लिए भी होता है और ब्राइडल के लिए स्पेशलिटी है ना हमारे पास। ठीक है, हम ब्राइडल नोज रिंग्स होती है ना हम वो बनाते हैं और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें वरायटी आप देखें, फैंसी से फैंसी और सिंपल से सिंपल यूनिक हर किस्म की आपको मिलेगी। जैसे कि होता है कि ब्राइडल की कजन्स होती हैं वो पहनना चाहती हैं, उनके लिए वो कहते हैं हम छोटा सा पहना साइज उनके छोटा नोज रिंग भी उनके लिए होता है। ठीक है, ब्राइडल की फ्रेंड्स होती हैं वो एक अपना क्या लिखे एक थीम कर लेते हैं तो उस थीम के लिहाज से उनका एक अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। मतलब ये अगर जो शॉपकीपर हजरात हैं जी दुकानदार हजरात वो परचेज करना चाहें तो इनका क्या रेट होगा उनके लिए स्पेशल? हमारे पास मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास 20 रुपये का पीस है लेके 500 का पीस भी है और 1000 रुपये का पीस भी है, उस लिहाज से वो उतना फैंसी भी रहता है और मैंने बताया ना जैसे यूनिक भी पसंद करता है कोई सिंपल पसंद करता है तो उस लिहाज से जितनी कैपेसिटी होती है वो हिसाब से वो चीज़ को पसंद कर लेता है। और 500 का पीस भी है, 1000 का पीस भी है, 800 का, 200 का, 300 का, हर किसी का। मैं लास्ट में देख सकता हूँ, मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक जो बिल्कुल वो यूनिक सा जो लटके हुए हैं। हाँ जी ये आई थिंक सो नेकलेस हैं? नहीं ये भी नथिंग है, ये बहावलपुरी है, देखें ये स्पेशली हमने डिज़ाइन किए थे, आप देख सकते हैं कोई बहावलपुरी नथ होती है, कोई सिंधी नथ होती है, जैसे ये राजस्थानी नथ है, ये बहावलपुरी नथ है, ये सिंधी नथ है। ठीक है जी, इस तरह काफ़ी है, ये आपके सामने सारी वरायटी लगी हुई है। अच्छा मुर्तज़ा भाई ये मैं देख सकता हूँ कि बड़ा एक यूनिक सा एक ये एक खाने वाला सिस्टम आपने रखा हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही मैंने बल्कि पहली दफ़ा देखा ये, तो ये मुझे बताइएगा ये आइडिया कैसे आया और क्या सर्व करते हैं, कस्टमर को सर्व करते हैं या अपने खाने के लिए रखा हुआ है? नहीं नहीं ये ऐसा है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए रखते हैं और ये बहुत ही पुराना हमारा ये जो है ना सर्विंग स्टाइल बहुत पुराना है, पहले हम इसे खाली खजूरें वगैरह सर्विंग करते थे, फिर आहिस्ता 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 हमने इसको बढ़ाया और अपने लिए मिल के कस्टमर्स वगैरह आते हैं। ऐसा कि दूर दराज से कस्टमर आते, दूसरे शहरों से कस्टमर्स आते हैं तो हमें बेहतर होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती बाहर के खाने से, बेहतरी होती है कि हम अपने लिए उनके लिए खाना बावर्ची से अपने बनवा लेते हैं और वो ईजी होता है कि खा के उनको परेशानी ना हो रास्ते में। गाजी बात हर कस्टमर ने आना दूसरे शहरों में जाना तो रास्ते में कोई परेशानी का वायस्ता बनाने के लिए। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताऊंगा कि ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी शॉप पे कस्टमर सर्विस ऐसे हो रही हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भी अपनी शॉप्स पे ऐसे कस्टमर सर्विस करने की कोशिश करें। अच्छा मुर्तज़ा भाई मुझे बताइएगा कि कितनी पुरानी शॉप है आपकी, कितना अर्सा होगा यहाँ पे आपको? ये शॉप तो बहुत पुरानी है और अराउंड पर 50 इयर्स पुरानी है। ठीक है ना? ठीक है, और मुझे 10 साल हो गए शॉप पर। ठीक है, अच्छा मुझे एक तो बताइएगा कि जो ऐसे कस्टमर्स जो ऐसे व्यूवर जो आउट ऑफ सिटी से देखा जा रहा है हमें, तो उन्होंने अपना स्टॉक अपनी चीज़ें अपनी परचेजिंग जो मंगवानी हो बिल्टी का क्या तरीकाकार है? वैसा है कि आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, हम उनको आर्टिकल्स वगैरह सेंड कर देंगे, जो पसंद आए उसको हम कोरियर पार्सल कर देंगे, टी शर्ट डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनके अवेल कर देंगे उनको। ठीक है,
अच्छा, मुझे अपनी शॉप का एड्रेस भी बताइएगा जो देखने वाले हैं, ताकि उन्होंने अप्रोच करना अपनी अपनी अपने लिए जो शॉपिंग है वो करनी हो, तो उसके हवाले से हमें बताइएगा क्या एड्रेस है आपकी शॉप का। शॉप हमारी शालमी चौक में, फुआरा चौक के बिल्कुल अपोजिट मार्केट में है, न्यू आलमगीर मार्केट में, ठीक है। और चंद मई कोका के नाम से हमारी शॉप है और काफ़ी मशहूर है। आप जब आएंगे फुआरा चौक, किसी से पूछेंगे इंशाल्लाह आपको वो गाइड कर देगा कोई भी बंदा। आप अपने चंद और माही के लिए कोके और ज्वेलरी यहाँ से ले सकते हैं। ये बहुत ही पुरानी शॉप है और बहुत अच्छी असॉर्टमेंट है। सबसे यूनिक स्टाइल इनका सर्व करने का है, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर लें, चाहे वो आप लंच कर लें या डिनर कर लें। इनकी बहुत ही पुरानी शॉप है। अपनी अपनी परचेजिंग के लिए, अपनी बाइंग के लिए इस शॉप पर आप ज़रूर आएँ। आज हमने एक्सप्लोर करवाया आपको चंद माही कोका। आप अपने चंद अपने माही के लिए कोका ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी यहाँ से ले सकते हैं। आप देखते रहिए आओ देखो पाकिस्तान। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।